हाय एवरीवन स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे सो so आपके साथ मुझे एक न्यूज शेयर करनी है वो न्यूज़ है आपकी टीचिंग का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जो टीचिंग की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपकी नई टीचिंग वैकेंसी निकलने वाली है बहुत ही जल्दी और ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ किस बेस पर बोल रही हूँ सारी चीज़ें आपको बताऊंगी अच्छे से प्रूफ के साथ आपको बताऊँगी कि आपकी जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है जल्दी ही टी की भी और पीजीटी की भी अगले ही महीने से आपकी जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है ऐसा हमें बताया जा रहा है अब ये चीज़ कहाँ से है किसने कहा है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाएगी तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है श्री श्री कंवरपाल गुजर जी तो उन्होंने ये हाल फिलहाल में एक बयान दिया है एक तरीके से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने शिक्षकों की कमी पाई है स्कूल के अंदर बिकॉज आप सभी को पता है हरियाणा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है ट्वेल्थ का और टेंथ का और जो रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत नीचे है टेंथ का भी शायद फिफ्टी परसेंट के अराउंड है और ट्वेल्थ का भी बहुत लो है तो ये चीज को देखते हुए उनको अब एहसास हुआ है सबको कि भाई टीचर की जरूरत है स्कूल के अंदर और इसी बेस पे उन्होंने कहा है कि भाई टीचर की आवश्यकता है इसलिए आपकी वैकेंसीज जल्द ही लाई जाएंगी और एक तरीके से ये बताया गया है कि आपके टोटल सेवन फोर डबल जीरो टीजीटी की वैकेंसी निकलेगी चौहत्तर सो टी की वैकेंसी निकलेगी चवालीस सो पी की वैकेंसी निकलेगी और एडिशनल नौ हजार शिक्षक अलग से नियुक्त करे जाएंगे तो टोटल मिलाकर के आपके बीस हजार जो है टीचिंग की निकलने वाली है और ये प्रक्रिया आपकी अगले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगी ऐसा हमें बताया जा रहा है अब इस चीज में कितनी ऑथेंटिसिटी है देखो हमें बताया जा रहा है ये चीज़ तो साफ है कि ये चीज़ बोली गई है बट ये पूरी होगी कि नहीं होगी वो भी कोई कुछ भी नहीं कह सकता हम भी नहीं कह सकते आप कोई भी नहीं कह सकते है ना ये खुद नहीं कह सकते कुछ भी कि भाई वो पूरा होगा कि नहीं होगा बिकॉज अभी तो जागे हैं इतने दिनों में तो आप जागे थे ये वाली वैकेंसी जो है वो अभी आपकी है जब तक ये आपका देखो कोई भी चीज़ हरियाणा में ऐसा है ना अगर कोई भी जब तक आपके हाथ में वो एक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए ना तब तक किसी बात की श्योरिटी नहीं है तो अभी ये तो बोल दिया कि हमें टीचर्स की जरूरत है और हम टीचिंग वैकेंसी निकालेंगे बट कितना कैसा निकालेंगे और कब तक निकालेंगे वो किसी के भी हाथ में नहीं है पता नहीं है ना अब ये भी कोई जुमला हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है आपको पता है भाई आप जो इलेक्शन है वो होने वाले हैं दो में और साथ ही कंवरपाल गुज्जर जी ने ये भी कहा है कि दो में हम अपनी सरकार बनाएंगे फिर से दो में भाजपा सरकार आएगी फिर से ठीक है ये भी बोल रहे हैं वो तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे जरूर कमेंट करके बताना और इस वैकेंसी में आप कितनी सच्चाई मानते हो बाकी मैं किस बेस पर बोल रही हूं अभी उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने अभी ये बातें क्यों बताई है आप इस बेस पर देख सकते हो अभी हाल फिलहाल की ही न्यूज़ है ये आपको पता चल जाएगा कि प्रदेश में शिक्षकों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और अगले महीने से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करी जाएगी सेवन फोर डबल जीरो टी जी टीज फोर फोर डबल जीरो पी जी टी और इसके साथ साथ आपके नौ हज़ार कुछ एडिशनल टीचर्स भर्ती होंगे जिनको टोटल मिला करके आपके बीस हजार शिक्षक यहाँ पर नियुक्त होंगे और आप जो भर्ती की प्रक्रिया वो अगले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ये मैं बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है अब इस चीज़ के में कितना ये करेंगे वो किसी को नहीं पता इनको खुद को ही नहीं पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को स्वीकार किया है कि हाँ भाई शिक्षकों की कमी है तभी तो रिजल्ट नहीं आया ना टेंथ का, का आया ना ट्वेल्थ का आया बीस हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे ठीक है और साथ ही मनमर्जी से वर, मनमर्जी से वर्दी किताबें बदलने और फीस बढ़ाने के सवाल पर भी कहा कि इस पर भी रोक लगाई गई है एक नीचे आप यहाँ पढ़ सकते हो शिक्षा मंत्री ने 2024 में फिर से भाजपा सरकार बनाने का दावा किया है उन्होंने कहा है कि हम फिर से सरकार बनाएंगे और यहाँ पर टीचर्स के लिए सारी चीजें करेंगे भाई टीचर्स की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी इसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने साफ क्लियर किया है स्वीकार किया है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और अगले महीने से चौहत्तर के करीब टी जी के करीब पीजटी की अतिरिक्त नौ अन्य शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट ठीक है बाकी सब तो एडिशनल चीज़ें हैं तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है भाई

कभी भी कुछ भी कर सकते भगवान ना करे ऐसा टीजीडी के साथ हो ऐसा तो ना ही करे ठीक है टीजीडी वाली कम से कम हो इसके अलावा ये बिचारी बीच में है लेकिन अभी इन्होंने एक्स्ट्रा ऐलान कर दिया है कि भाई हम अगले महीने से ही भर्ती करेंगे तो शायद क्या पता कर भी दे क्योंकि इलेक्शन है दो में और ये कह रहे हैं भाई ये तो डंके की चोट पर कह रहे हैं हम अपनी सरकार बनाएंगे बाकी सरकार इनकी बनेगी कि नहीं बनेगी तो आने वाला टाइम ही बताएगा बिकॉज इनके काम तो इतने अच्छे हैं नहीं बाकी देखते हैं क्या होता है आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है अभी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी ज़रूर कमेंट करके बताना बाकी ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी आई होप आपको आ, मिल गई होगी ये समाचार ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ शेयर कर देना ताकि सभी को मिल सके ये न्यूज़ क्या पता भाई सच में हो जाए है ना भगवान हो बिकॉज बेरोजगारी के मामले में हम लोग सबसे ज्यादा आगे आ चुके हैं हम लोग नंबर वन पर है हरियाणा के अंदर बेरोजगारी में यहाँ के जो युवा है जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगार हैं और ये सबसे ज्यादा हाई आंकड़े हैं हमारे और ये बहुत ही शर्म की बात है एक्चुअली में तो आप सभी के साथ शेयर कर दो ताकि सभी को न्यूज पहुंच सके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को लाइक कर दो शेयर कर दो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मी